वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। दो थ्योरी हमने कंप्लीट की थी, एक काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड, जहाँ पर हमने तीन टाइप की स्पीड कैलकुलेट की थी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड आरएमएस। उसके बाद एक और थ्योरी पढ़ी हमने केएमटी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। उसे शॉर्ट में याद करने के लिए फॉर्मूला दिया था, माई फ्रेंड इज़ वेरी मच कोऑपरेटिव, स्वीट एंड क्यूट। उसके हिसाब से पूरी केएमटी थ्योरी तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये दो टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो चलो एमसीक्यू स्टार्ट करो, उससे पहले वीडियो कंपलसरी देखो आगे के, क्योंकि अगर वीडियो देख लिए तो एमसीक्यू इजीली सॉल्व कर लोगे। तो पहले वीडियो देख लो आगे, दोनों थ्योरी के कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद ही एमसीक्यू स्टार्ट करना। चलो फर्स्ट एमसीक्यू जो नीट और जेईई के लिए काम लगेंगे तुम्हें। चलो फर्स्ट एमसीक्यू और क्वेश्चन है ना वो स्क्रीन पर आ ही जाएगा। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड डिपेंड्स ऑन मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। ये दोनों ने डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया था और कौन सी स्पीड निकाली थी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो दिया था। और इनके अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल की स्पीड किस पर डिपेंड करती है, तो हमने डायरेक्ट लिखा था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मॉलिक्यूल की स्पीड डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास। एक फॉर्मूला लिखा था हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, याद है किसी को फॉर्मूला, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट स्क्वायर यू एम पी अंडर रूट 2RT बाय एम, ये वाला फॉर्मूला। और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन से। यहां से देखकर समझ में आ रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रूट स्क्वायर ऑफ टी के प्रोपोर्शनल है एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रूट स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली। तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास। टेम्परेचर ज्यादा तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ज्यादा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा, कर्व याद अगर आ रहा है तुम्हें तो याद करो कर्व कैसे ड्रॉ किए थे हमने। तो टेम्परेचर के लिए अलग अलग दो टेम्परेचर के लिए कर्व ड्रॉ किए थे, फर्स्ट मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन का कर्व याद करवा रहा हूँ मैं तुम्हें कैसे ड्रॉ किए थे वो। चलो T1 टेम्परेचर पर ये कर्व मिल रहा था हमें एंड T2 टेम्परेचर पर अगर थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कर्व ये होगा। तो ये T1 था और ये T2, जहाँ पर T2 ग्रेटर देन T1 था स्पीड। ये याद रखना हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से रिलेटेड और एमसीक्यू पढ़ रहे आगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया ये, तो यहाँ से हमें समझ में ये आ रहा है कि यस जो T1 टेम्परेचर है वहां पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम है, लेकिन जब T2 टेम्परेचर है वहां पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा है। ओके, ये वाली चीज बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर पर जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है कर्व जो है वो ब्रॉड हो रहा है ज्यादा। ओके, दूसरा मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड कौन सा एग्जांपल था, सीएल और ओ का। चलो क्लोरीन ले लेते हैं, तो क्लोरीन का कर्व कुछ इस तरह मिलेगा। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना, 35. एटॉमिक मास 35.5। अब नाइट्रोजन ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन का कर्व कैसे मिलेगा हमें, ये नाइट्रोजन के लिए उसका एटॉमिक मास 14। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है, हाँ टेम्परेचर दोनों में सेम रखा है, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं किया। यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है, अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो स्पीड कम, और अगर मॉलिक्यूलर मास कम मतलब एटम थोड़ा वेट में हल्का है तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कर्व से हमें ये क्लियरिटी हो रही है। तो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से रिलेटेड एमसीक्यू जो बन रहे ना इसी टॉपिक से ज्यादातर बनते हैं, ग्राफ से रिलेटेड ये वाले पॉइंट्स और ये फॉर्मूला से। तो पहले से ध्यान से लिख लो सेकंड एमसीक्यू, बाद में सॉल्व करेंगे। इसका आंसर कौन सा होगा,
टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, सेकंड बी आंसर होगा इसका, लिख लो पहले ये। सेकंड एमसीक्यू, जेडब्ल्यू 2019 में क्वेश्चन आया था ये। ग्राफ प्लॉट गिवन है, समझना, ग्राफ गिवन है और ग्राफ में तीन अलग अलग पॉइंट है मॉलिक्यूलर स्पीड, एक ये, सेकंड एंड थर्ड, एक और है ग्राफ इस तरह। क्वेश्चन में ग्राफ गिवन था, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहाँ पर इंडिकेशन की है, यहाँ पर इंडिकेशन है और यहाँ पर इंडिकेशन है, समझ रहे हो? तो ये ग्राफ गिवन है, स्पीड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स। अब क्वेश्चन क्या है, पॉइंट वन टू थ्री, इसे पॉइंट वन बता दिया, पॉइंट टू है और ये पॉइंट थ्री, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात हो रही है ज़्यादातर। पॉइंट वन टू थ्री इन द फॉलोइंग फ्लूइड रिस्पेक्टिवली कॉरस्पॉन्डेड टू, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए फिर ऑप्शन है, और तुम्हारे सामने तीन गैस है, उनका टेम्परेचर, उनका मास है, ये निकालना है कौन कहाँ पर है, फर्स्ट नंबर पर कौन है, सेकंड नंबर पर कौन है, थर्ड नंबर पर कौन है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ही फाइंड आउट करनी है हमें। तो क्या होगा वो, चलो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उसका फॉर्मूला क्या था, 2RT/m। तब यहां से मैं डायरेक्ट कह सकता हूं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड u, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रूट स्क्वायर बाय T/m, ये तो हमें पता ही है, टेम्परेचर ज्यादा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, स्पीड कम होगी। अब कौन कौन से गैस है वो समझना, कैलकुलेशन कैसे आंसर का। तो गैस गिवन है, उसका मॉलिक्यूलर मास तुम्हें पता है, टेम्परेचर गिवन है, ओके, कैलकुलेशन करके बता देना है किसकी वैल्यू ज्यादा और किसकी वैल्यू कम, यही निकाल देंगे ना, अंडर रूट T/m। चलो फर्स्ट तीन गैस कौन से गिवन है, एक H2 गिवन है, सेकंड N2 गिवन है एंड थर्ड O2 गिवन है। अब तीनों के टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन और ये 400 केल्विन है, क्लियर है? अब देखना लेकिन मास, H2 का मास 2 28 32, समझने की ट्राई करो आंसर क्या है, कैसे है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे और क्या आंसर आएगा। H2 गैस जिसका मॉलिक्यूलर मास 2 है और कौन से टेम्परेचर पर लिया हुआ है 300, तो यहां से आइडेंटिफाई करना है कौन सा H2 गैस का कर्व है। N2 गैस है, मॉलिक्यूलर मास 28 है, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, तो तीनों में से किसका कर्व किसका होगा। चलो यहाँ पर कैलकुलेशन यही पैटर्न से कर लेंगे, तो चलो यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या आएगा, टेम्परेचर 300 बाय 2 तो कितना है यहाँ पर 150 रूट स्क्वायर, दूसरा कितना आएगा 300 बाय 28 10.71, मतलब 7 लिख लेता हूँ, एंड थर्ड नंबर में 400 बाय 32 कितना आएगा 12.5, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू किसकी, अरे सॉरी लोएस्ट और ये मीडियम, तो हाईएस्ट वैल्यू में किसका होगा आंसर, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसकी ज्यादा, हम निकाल रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, हाईएस्ट स्पीड किसकी है, तो ये थर्ड वाला जो है वो किसके लिए है, H2 के लिए, हाईएस्ट मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा हो, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमें पता है ये वाले कर्व की ज्यादा है, थर्ड नंबर वाला जो है ना वो, तो ये ज्यादा स्पीड किसकी है, हाइड्रोजन की, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, क्लियर है? यहां से तो हम दो चीजों में तो समझ जाते हैं आसानी से, सेम टेम्परेचर है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसकी स्पीड कम। चलो सेकंड नंबर पर ये
मीडियम वाला है, लोएस्ट किसका है? लोएस्ट तो एन टू, तो एन टू की स्पीड सबसे कम होगी, समझना ओके। एन टू की स्पीड सबसे कम, एंड सेकंड वाला जो पॉइंट है वो किसके लिए? ओ टू के लिए। तो ये आंसर है, ऑप्शन अलग तरीके से ओके। एन टू के लिए दो कंडीशन दे दी, ये दे दी कि टेम्परेचर इतना है, ओ टू के लिए ये टेम्परेचर दे दिया, एच टू के लिए ये दे दिया। तो ऑप्शन इस तरह है। तो आंसर फाइंड करना है तुम्हें कि यस फर्स्ट पॉइंट पर कौन आया, सेकंड पॉइंट पर कौन आया एंड थर्ड पॉइंट पर कौन आया। कॉन्सेप्ट वही है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मॉलिक्यूलर स्पीड फाइंड आउट करनी है हमें। तो मॉलिक्यूलर स्पीड फाइंड आउट कैसे की, तो ये रही अपने पास पैटर्न ओके। फॉर्मूला कौन सा था, टू आर टी बाय, चलो लिख लो ध्यान से ये। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, ये भी JEE 2020 का एमसीक्यू। ग्राफ प्लॉट है और फाइंड आउट करना है, थर्ड नंबर एमसीक्यू। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ग्राफ के अंदर, टेक्स्ट बुक का सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। इसे वन नंबर, टू एंड थ्री आइडेंटिफाई करना है, वन कौन है, टू कौन है और थ्री कौन है, ए बी सी ओके, ए बी एंड सी। याद करो किसका कर्व था, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था, बोल्ट्जमैन है, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो यहाँ से हमने कैलकुलेशन कर लिया, कौन सी स्पीड थी ये, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये क्या है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बाजू में कौन है, एवरेज स्पीड, और सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, आरएमएस, यू आरएमएस, इसका रेशियो निकाला था हमने, है ना। तो बस यही आंसर है, ए की जगह पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, बी की जगह पर एवरेज स्पीड है, और सी की जगह पर आरएमएस स्पीड है। चलो इसे थोड़ा और आगे ले जाते हैं, तो नेक्स्ट आने वाले एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। चलो फॉर्मूला याद करो तीनों की स्पीड निकालने के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अंडर रूट 2RT बाय m, नेक्स्ट अंडर रूट 8RT बाय 5m, एंड यहां पर अंडर रूट 3RT बाय m, RT बाय m, RT बाय m सबके कैंसिल, क्या बचा यहां पर रूट टू, यहाँ पर 8 बाय एम, और यहाँ पर रेशियो निकालो तो वैल्यू क्या आएगी, इसके इसका रेशियो निकालने पर वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 1.41, यहाँ पर 1.59, और ये 1.7। रेशियो निकालना है, लिस्ट वैल्यू यही है तीनों में, तो लिस्ट वैल्यू से तीनों को डिवाइड कर दो, इसे 1.41 से डिवाइड करो, इसे 1.41 से डिवाइड करो, इसे 1.41 से डिवाइड करो, तो क्या मिलेगा डेटा हमें, तो इसकी जगह पर कितना मिलेगा हमें डेटा, तो 1, ये 1.128, और ये रेशियो कितना होगा 1.224 ओके। तो ये भी एक एमसीक्यू है, समझना, नेक्स्ट आने वाले एमसीक्यू में क्या क्या यूज करेंगे, एक ये डेटा यूज करने वाले हैं, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और एक ये डेटा यूज करेंगे। एमसीक्यू लिख लो पहले ध्यान से, नेक्स्ट एमसीक्यू खुद सॉल्व कर लेना, और सिंपल है, यहाँ पर रेशियो पूछा है तुम्हें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड आरएमएस स्पीड, इसका रेशियो पूछा है, तो कौन सा आंसर होगा, ये रहा इसका आंसर नेक्स्ट एमसीक्यू। तो सीधा सा डायरेक्ट एमसीक्यू है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, फिफ्थ नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, फोकस करना है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से रीड करो स्क्रीन पर जो है वो, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ओ टू एट 27 डिग्री सेल्सियस, क्या फाइंड करना है तुम्हें, यू आर एम एस कैलकुलेट करना है, रूट
मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड कैलकुलेट करनी है, मतलब आरएमएस कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आई। सेकंड नंबर किसके लिए? O2 के लिए, फॉर ऑक्सीजन। और कितना टेम्परेचर है? 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करो तो 300 केल्विन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना? 32 ग्राम पर मोल। फोकस करना है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट, कौन से यूनिट में आंसर फाइंड करना है? मीटर पर सेकंड में फाइंड करना है। फोकस करो, मीटर पर सेकंड में फाइंड करना है, ये तो ग्राम में है ना, इसे किस में कन्वर्ट करोगे? अगर मीटर फाइंड करना है तो सीजीएस और एमकेएस, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम है तो मीटर पर सेकंड में ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन ध्यान से देखो, तो ये ग्राम है, एमकेएस और सीजीएस बताए ना, तो अगर मीटर में गिवन है तो किलोग्राम लेंगे, ओके। तो ये ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो कितना होगा किलोग्राम में? ये 32 × 10⁻³ केजी पर मोल। इसमें गलती हो सकती है कैलकुलेशन में। चलो, आर की वैल्यू कितनी होगी? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। हो गए डेटा सारे, यूआरएमएस कैलकुलेट करो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो और सारे डेटा आ जाएंगे और कैलकुलेशन सीधा सा आंसर मिल जाएगा तुम्हें। URMS is equal to √3RT/m। डेटा पुट करो और आंसर डिराइव करो, कौन सा आंसर राइट है? मीटर पर सेकंड में फाइन करना है तुम्हें। √3 × 8.314 300 / 32 × 10⁻³। स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। कितना आंसर आ रहा है? फाइंड आउट करके बताओ आंसर। चलो, इसका आंसर कितना आया? 4.8 × 10⁻²। ये आंसर राइट है। तो एमसीक्यू देखो, फॉर्मूला पुट करना होता है और डेटा समझ लेना होता है, बस इतने ही एमसीक्यू होते हैं। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, अगेन मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सब में से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ये। चलो ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 6 नंबर का, ओके। एमसीक्यू क्या है? The ratio between the root mean square velocity, क्या निकालना है? रेशियो निकालना है आरएमएस का, किसकी कंपेयर में? एक H2 के लिए गिवन है और एक O2 के लिए गिवन है। चलो H2 के लिए कितना टेम्परेचर है? T1 ले लेते H2 के लिए और 50 केल्विन है, और O2 के लिए टेम्परेचर कितना है? T2 उसे गिवन और कितना है वो? 800 केल्विन है, क्लियर। और दोनों का रेशियो निकालना है, किसके लिए? आरएमएस। तो सीधा सा आंसर निकाल सकते हैं ना, बहुत सिंपल है। यूआरएमएस H2 के लिए फाइंड करो फॉर H2, और यूआरएमएस O2 के लिए इसी पर। तो सामने क्या आएगा बोलो? फॉर्मूला, फॉर्मूला है यूआरएमएस इज इक्वल टू रूट 3RT/m। तो दोनों में कॉमन चीज है, क्या कॉमन चीज है? 3 कॉमन, R कॉमन कैंसिल, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना, T1 m1, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। उसी तरह चलो URMS O2 के लिए क्या बनेगा? T2 / m2। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं, रेशियो निकाल रहे हैं ना हम तो। तो चलो ऊपर क्या होगा? H2 के लिए, तो H2 के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर T1 / m1। अब डिवीजन में लिखना है तुम्हें ये पूरा, तो m2 ऊपर चला जाएगा है ना, तो m2 / t2। कैसे किया फॉर्मूला? तो बहुत सिंपल है, रेशियो निकाला है हमने ये दोनों का,
और रेशियो वाला एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, नीट जेईई कोई भी एग्जाम हो, तो जब भी रेशियो निकालना है तो ज्यादातर डेटा जो होते हैं ना वो कैंसिल हो जाएंगे रेशियो में। ओके, जब कंपेरिजन करते हैं हम रेशियो, ये H2 के लिए था, ये O2 के लिए था, और दोनों का रेशियो निकाल रहे, तो चलो यहाँ पर डेटा पुट करो तो आंसर आसानी से आ जाएगा। T1 कितना है? 50 केल्विन। मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ हाइड्रोजन का? 2। चलो M2 कितना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना? 32। और टेम्परेचर कितना है? 800 केल्विन। कैलकुलेशन करो, आसानी से हो जाएगा कैलकुलेशन। और कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो रहा है, मतलब 1। तो रेशियो कितना है यहाँ पर? 1 आंसर आएगा। आईएमपी एमसीक्यू कर देना, अगर मान लो क्वेश्चन ये है तो ये सॉल्व कर पाओगे। अगर डेटा चेंज हो गया और डिफरेंट टेम्परेचर के लिए फाइंड करना है, गैस तो गिवन है, मॉलिक्यूलर मास पता है, टेम्परेचर गिवन है, दोनों का रेशियो निकालना है, तो हर बार यही पैटर्न से आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू खास लिखना ये, और ऐसे एमसीक्यू और सॉल्व करना, लिख लो ये। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, केएमटी थ्योरी के 3 एमसीक्यू देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड के एमसीक्यू देखे हमने, 6 एमसीक्यू। अब 3 एमसीक्यू ये टॉपिक के हैं, जिसमें से फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो जेईई मेन 2011 का है। केएमटी थ्योरी याद करो शॉर्ट में, कौन सा फॉर्मूला दिया था मैंने, माय फ्रेंड इज वेरी मच कोऑपरेटिव एंड स्वीट एंड क्यूट। उसके हिसाब से फर्स्ट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, 7 नंबर एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी कौन सा स्टेटमेंट राइट है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉलिजन्स आर ऑलवेज इलास्टिक, कॉलिजन आर ऑलवेज इलास्टिक। बोलो ऑलवेज इलास्टिक का मतलब क्या होता है? एनर्जी, मतलब अगर गैस के कंटेनर में गैस ले लिया हमने, दो पार्टिकल है, इसकी एनर्जी मान लो 40 है, इसकी एनर्जी 20 है, जब ये दोनों टकराएंगे एक दूसरे के साथ तो वो एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, वो एनर्जी क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज करेंगे। अभी टोटल एनर्जी कितनी है? 60 है, लेकिन कॉलिजन के बाद हो सकता है कि इसकी एनर्जी 10 हो सकती है और इसकी एनर्जी 50 हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी तो वही रहेगी। तो टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रही है। एनर्जी क्या हो गई यहाँ पर? कॉलिजन की वजह से एक्सचेंज होगी, उसी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो कॉलिजन्स आर ऑलवेज परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना। ओके, तो आंसर फर्स्ट वाला ही है सीधा सा, कोलिजन्स आर ऑलवेज इलास्टिक, वही स्टेटमेंट राइट है। दूसरा ऑप्शन था हैवियर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर मोर मोमेंटम ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर, नो हैवियर मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं। ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वेरी हाई वेलोसिटी, क्या ओनली थोड़े ही नंबर होते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का स्टेटमेंट नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, केएमटी थ्योरी का स्टेटमेंट राइट है ये, कोलिजन आर ऑलवेज इलास्टिक। चलो उसके बाद 8 नंबर का एमसीक्यू, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, केएमटी का पॉइंट ही है। पॉइंट क्या है? गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट जो था ना केएमटी थ्योरी का, वो कि गैसेस मॉलिक्यूल्स में जो आइडेंटिकल पार्टिकल है वो कौन है, मॉलिक्यूल होता है, आइडेंटिकल एंड आइडेंटिकल स्मॉलेस्ट एंड आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ द गैस इज मॉलिक्यूल, आगे वही लिखा है फिर, दैट आर सो स्मॉल, ये पार्टिकल क्या है, बहुत ही छोटा सा है, एंड सो फार अपार्ट ऑन द एवरेज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये पार्टिकल का वॉल्यूम, समझना, दूसरा एक बार ले लेते हैं, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, वेरी नेग्लिजिबल होता है, और आगे लिखा है इन कंपेरिजन एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, ये दोनों के बीच में जो स्पेस है ये स्पेस बहुत ज्यादा है, जबकि ये पार्टिकल क्या है, उसका वॉल्यूम बहुत कम है, इसकी वजह से अब ऑप्शन दिए कि इससे क्या होगा, तो एजम्पशन कौन सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, पॉइंट समझना, कौन सा एजम्पशन क्या है, कि ये दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है
और एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, किसके कंपेयर में, दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है ना उसके कंपेयर में। इसकी वजह से अब कौन सा स्टेटमेंट आएगा, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस है तो हम क्या कर सकते हैं, समझना, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इट्स हैव कंप्रेसिबिलिटी। तो गैस जो कंप्रेस कर सकते हैं हम प्रेशर देकर, है ना, किसकी वजह से, कि दोनों के बीच में जो स्पेस है ना वो बहुत ज्यादा है और गैस का वॉल्यूम बहुत कम है। तो दो लोग खड़े हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा जगह है बीच में, तो क्या कर सकते हैं हम, उसे प्रेशर करके पास में ला सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो कौन से नंबर का स्टेटमेंट राइट है ये, तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस पॉसिबल है ये एजम्पशन के ऊपर से। चलो 9 नंबर एमसीक्यू, तो कौन सा आंसर होगा इसका, सी वाला आंसर राइट है। इफ गैस एक्सपांड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, लेकिन गैस क्या हुए, एक्सपांड हो रहे, दूर दूर जा रहे गैस के मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी मॉलिक्यूल की, नो, काइनेटिक एनर्जी तो वही रहेगी ना, टेम्परेचर सेम है फिर भी हम गैस को क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, गैस थोड़े दूर दूर जा रहे हैं, तो क्या गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, नो। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए स्टेटमेंट था काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट चेंज। तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट राइट है, उसमें भी सी वाला स्टेटमेंट राइट है, द काइनेटिक एनर्जी इज रिमेन द सेम। तो ये टोटल 9 एमसीक्यू, खास ध्यान से पढ़ना, अगर ये थ्योरी से कोई क्वेश्चन बन रहा है तो यही पैटर्न से क्वेश्चन बनेगा, एक बार ध्यान से वीडियो देखना। चलो लिख लो ये भी।